हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर कैसे बना सकते हैं। तो अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि दिखने में कैसा होगा, हाउ विल अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर लुक लाइक। और ये जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर है, ये मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया है, तो लिनक्स या मैक इंतोष का मेरे को आइडिया नहीं है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल बनाकर रखी हुई है, तो अभी मैं इसको रन करूँगा। तो अब ये देखिए, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, एंटर पासवर्ड टू अनलॉक फोल्डर। तो अभी मैं इसका पासवर्ड डालूँगा जो है डेट रूट्स। ये देखिए, ये लॉकअप फोल्डर यहाँ पे अपीयर हो जाता है जो पहले नहीं था। तो अभी इसको ओपन करूँगा मैं। तो इसके अंदर ये देखिए, ये वाली फाइल्स मैंने स्टोर की हुई हैं। अभी वापस इसको मैं क्लोज करूँगा। अभी इसको फिर से वापस लॉक करने के लिए मैं फिर से इस फाइल को खोलूँगा। और अब ये मेरे से पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक द फोल्डर \n। इस \n का मतलब ये है येस और नो, वाई येस के लिए एंड नो के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर वाई टाइप करूँगा और एंटर दबा दूँगा। तो अब ये देखिए, लॉक होना शुरू हो गया है। और ये देखिए, अब फिर से लॉक हो गया। तो अभी सवाल आता है कि इसको बनाना कैसा है, हाउ टू मेक अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर। तो ये बहुत ही सिंपल है, और जो इसकी कोडिंग है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और सारे स्टेप्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आपको ज़रूरत है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो फिर सबसे पहले आप नोटपैड खोल लीजिए, नोटपैड और एंटर करते हैं। तो अभी मैं इस फाइल को एक मिनट डिलीट कर लेता हूँ। तो जब आपने नोटपैड खोल लिया, तो मैंने ये वाला कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फिर यहाँ पर आपको 9th या 9th लाइन में मैंने इफ परसेंटेज चॉइस परसेंटेज इक्वल्स वाई गो टू लॉक। इधर वाई की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे इफ परसेंटेज चॉइस परसेंटेज इक्वल्स यस गो टू लॉक। तो ऐसे ही आप इस कोड को अपनी मॉडिफाई कर सकते हैं, और नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने इस कोड में क्या मॉडिफाई किया। और जहां आती है आपके पासवर्ड की बात, अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो इफ नॉट परसेंटेज पास परसेंटेज इक्वल्स डेड रूट्स करके आपको एक लाइन दिखेगी, ठीक है। तो ये जो डेड रूट्स है, ये इस फोल्डर का पासवर्ड है। तो अभी इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, डेड रूट्स की जगह कुछ भी। और इसके लिए आपको बस इधर ही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। तो अभी अगर मेरे को इसका पासवर्ड चेंज करना है, तो बस इसको सिलेक्ट करके बैकस्पेस की की दबाऊंगा और अपना न्यू पासवर्ड लिख दूंगा। सपोज न्यू पासवर्ड मेरा है रिफ्रेश। तो अभी जो पासवर्ड हो गया वो है रिफ्रेश। तो जब तक हम रिफ्रेश टाइप नहीं करेंगे, हमारा फोल्डर नहीं खुलेगा। तो वैसे तो मैंने ये कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर ले लीजिए। अभी मैं बताता हूँ इसको सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए आप इधर ऊपर फाइल टैब पर जाइए, क्लिक कीजिए और सेव एज की ऑप्शन चूज़ कीजिए। ये सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और फाइल नेम पे आपको लिखना है lock.bat। फाइल नेम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, इस लॉक की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे dead.bat, ken.bat, कुछ भी आप दे सकते हैं। पर इसकी जो .bat एक्सटेंशन है, ये .bat ही रहनी चाहिए, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इसको चेंज कर दिया, तो आपकी फाइल जो है वो काम नहीं करेगी। तो लॉक की जगह तो कुछ भी लिख दीजिए, और डॉट बैट
लिखना ही लिखना है, जो मर्जी हो जाए। तो फाइल नेम इसका मैं लॉक डॉट बैट ही रहने दूंगा। और जहाँ आती है सेव एज टाइप की बात, इधर बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हुआ होता है, तो इसका आप चेंज कर दीजिए ऑल फाइल्स पे। अगर आपने ये भी नहीं किया तो भी आपकी डॉक्यूमेंट जो है नहीं चलेगा। तो जब आपने ये दोनों कर दिया है तो इस फाइल को सेव कर दीजिए। मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा इसको, सेव। तो जब सेव हो गई है आप क्लोज कीजिए और ये देखिए लॉक डॉट बैट यहाँ पर सेव हो गई है। तो अभी मैं इसको ओपन करूँगा, ये देखिए ये पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड हमने सेट किया था refresh। तो अभी मैं एंटर दबाऊँगा, ये देखिए यहाँ नीचे वो लॉकर फोल्डर अपीयर हो गया है। तो अभी इसको ओपन कीजिए, आपकी जो फाइल्स आपने सेव की थी वो इसके अंदर हैं। क्लोज कीजिए, वापस इस फाइल पे जाइए, वाई टाइप कीजिए, एंटर दबाइए। ये देखिए होना शुरू हो गया और ये देखिए ये लॉक हो गया। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फाइल है मेरे पीसी पे ये बहुत स्लोली लॉक होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक दीजिए, और अगर आपने कुछ इस कोडिंग में एडिट किया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अगले टेक्निकल फनी कॉमेडी स्पोर्ट्स जो भी वीडियो मैं अभी नेक्स्ट अपलोड करूँगा तो उसमें अब हम मिलेंगे।